हम लोग छोटी जात हैं और हम उन्हीं को खेत में काम कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई किस लिए है तुमसे? धमकी अब सब दे रहा है कि 58 मर्डर करिए तो कुछ नहीं होगा, तो एगो दूगो से क्या होगा। जो मुरत देवी हमारा औरत था, प्रभात देवी हमारा लड़की, आ वो पुतो। ये वो अंधेरा है जो पिछले 22 साल से इस गांव में पसरा हुआ है। ये बिहार का जहानाबाद का लक्ष्मणपुर बाथे गांव है, जिसे याद किया जाता है जो दलितों के प्रति नरसंहार हुआ था 1997 में। और ये वो शहीद स्मारक है जो ये बताएगी कि 58 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से 1 दिसंबर की दरमियानी रात को कर दी गई थी। सामंती अवशेष के विरुद्ध चल रहे महासवर में 1 दिसंबर 1997 की रात्रि लक्ष्मणपुर बाथे में सवर्ण सामंती गुंडा गिरोह रणवीर सेना जिसे कहते थे के हाथों मारे गए अमर शहीद, इसमें नाम लिखे हुए हैं, उनकी उम्र लिखी हुई है। अगर आप इस पूरे लिस्ट पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सब लोगों के नाम हैं। शिव बचन रविदास जो 35 वर्ष के थे, जयंत कुमार 16 वर्ष के थे, राज रानी देवी 50 वर्ष की थी, अनुज कुमार 4 वर्ष के थे, उमानंद चौधरी 8 वर्ष के थे, सविता कुमारी 5 की थी और ये सुमित्रा कुमारी 1.5 वर्ष की कोई बच्ची थी। नैना जी, 1 दिसंबर 1997 को जो नरसंहार हुआ था, उसमें कितने लोग आपके परिवार के? एगो सास और 2 ननद और 4 देवर। अभी वर्तमान में घर में कौन है? अभी घर में क्या, हम हैं खाली और कोई नहीं है। अब पति हैं तो अपना ड्यूटी पर है, पूरा भरा पूरा कन है खाली हमको, बस अब कोई नहीं है। पूरा भरा पूरा परिवार था? पूरा परिवार मरा गए थे, कोई नहीं बचे थे मेरे पास खाली। वजह आपको पता है कि क्यों हुआ था ये? नहीं, ये हमको पता नहीं है क्यों हुआ था। जाति की लड़ाई थी ऐसा? नहीं, जाति की क्या लड़ाई थी, वो रघुवीर सेना आया या वो, ये तो गरीब ही जानता थे या गरीब उन्हीं को खेती में काम करते थे बेचारे, सब काटने पीटने करते थे या इसी कारण से, अब क्या कारण से वो मार दिया भगवान जाने कहाँ कारण से मारा, कहाँ विवाद किया, वो गरीब आदमी के सबके हत्या कर दिया। अभी भी धमकी देता है कि अभी भी मारेंगे। अभी भी धमकी? हाँ, अभी भी धमकी देता है कि अभी क्या हुआ है, अभी आप मारेंगे। अभी उनको तो हरदम डर बना रहता है। 7 लोग वो आपके घर से? हाँ, 7 लोग हमारे ही घर से। इस घर में 9 लोग मराए थे इस घर में, और इस बगल में है, आगे वाला है, उसमें 5 घर 5 लोग मराए थे, सामने वाला में मराए थे, और अगला पतला पापा वाला है उस घर में मराए थे, मैंने यही ये घर में सबके मराए थे। वो उधर जाइएगा तो वो बूढ़ा आए हैं, वो सब जानते हैं, वो बताएंगे। ये जो व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था है, उसी वजह से ये हमेशा लड़ाई चलती रही? लड़ाई नहीं थी पहले से, कुछ भी लड़ाई नहीं थी, छोटी जाति रहे, मतलब हम लोग छोटी जात हैं और हम उन्हीं को खेत में काम कर रहे हैं, तो फिर लड़ाई किस लिए है तुमसे? लड़ाई तो नहीं है। अब क्या कारण से मारे, क्या विवाद था उनसे, क्या करें वो मार दिए, तब हम लोग क्या पता था, हम लोग तो गरीब आदमी अपना खेती बाड़ी में कमाते थे। वो लोग आया पहले, वो घर में मर्डर किया, अब 10 लोग दोस्तों में ही आन के एम ले लिया, सब राइफल, कोनो काता ले लें, कोनो राइफल ले लें, कोनो सिक्सर ले लें, वही थे ना सब गाँव के था। गाँव वाला तो 7-8 गो तो मर गए, 7-8 गो अभी बकिए जी था, तो अभी धमकी दे रहा है कि 58 मर्डर किया तो कुछ नहीं हुआ, तब का होएगा। तो क्यों ये
क्यों कुछ न तनाजा रह मन से एगो घर ही सब भागना जाए पौने आठ तो बजे ही हल तो कोई तनाव रही था सब भागना जाए सर अपना ही सब आयल ही जनी थी हमारा रक्षा खातिर आयल आ हमने दस गो मिल के सबके मूड़ी काट दू तो जनी थी अपने कि हम भलाई खातिर ना आयी हमारा आय सर 58 लोग में बच्चे बूढ़े सब एक बूढ़े बहुत काम सब बते और मेहरारू ज्यादा के सब निकल निकल के देख रहा था यही तो टाइम तीन सौ एक से आग कुबेर हो कहीं सात हो साढ़े सात हो पौने आठ बजे कारण था कि जातीय लड़ाई थी जातीय कुछ लड़ाई है ये ना हलता लड़ाई नहीं चलता तो एगो ही नहीं दलितों को मारा गया दलितों का निरसंहार हुआ था दलित सब है तो इसलिए और वो ऊपरी जाति के लोगों ने ऐसा किया ऊपरी जाति केहू ना सब रजवार दुसाद मला तीनों को चमार चमार मारने वाला जो मारने वाला सब बाभन राजपूत दो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जाति का ऊपर नीचे की वजह से ऐसा हुआ ऊपर लोग के ऐसे ही कि इन्हीं के बराबर धमकी अब वहीं दे लोग वो सब दे रहा है कि 58 मर्डर किया तो कुछ नहीं होगा तो एगो दूगो से क्या होएगा जब इस तरह की धमकी मिलती है तो गांव में लोग इकट्ठा होकर पुलिस प्रशासन से प्रशासन तो सब होकर ही मने थी प्रशासन आए लगे पैसा ले लग आ लद्दू को हाजिरे न होलक अशोकवा वे थी फनी सवा फनी के सुबह मर्डर किया हमारा ही फनी सबे वीरेंद्रा सुरेंद्रा से सवा चार गो हमारा ही तो वहीं के दू गो हाजिरे न हो फनी सबा अशोकवा सजाय हो ना हाजिर हो भागल चले थे उन्हें जने तने हित न तो का प्रशासन करेगा आता है तो 10,000 रुपया दे देता है जाओ घूमते रहो तो आपके घर से भी कितने लोग मरे मरा तीन मर्डर कौन 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 प्रभा देवी मानती देवी जमूरत देवी ये कौन थी जमूरत देवी हमारा औरत था आ प्रभा देवी हमारा लड़की आ वो पुतो बहू थी हाँ तीनों महिलाएं घर की महिलाएं जी और जो सजा हुई वो भी पलट दी गई हाई कोर्ट के द्वारा जो सजा हाँ, हुई थी पहले हाँ हाँ सजा जो हुई तो छूट ही गया सब क्यों छूट गए लोग ऐसा मतलब आपको क्या लगता है कि कहीं लूप होल था कोर्ट ने कहा कि क्या कहते हैं कोई भी सबूत नहीं था कोई सबूत तो हम ही देखा पहचान किया गवाही दिया पटना सिविल कोर्ट में बड़ा बाबू थे हमारा शिक्षर के साथ छोरा लेके अब अपना जनानी किताब में रख के जाते गवाही दिया मैंने गवाह में हम ही ना है बिल्कुल हमारा तो 50 लाख दे रहा है रुपया उस सब पार्टी आपको 50 लाख रुपया 50 दे कि नहीं हो जाइए टूट जाइए गुआही में कह दीजिए कि नहीं पहचान किया हम कहें कि ना हम चारों आना नहीं लेवेंगे गुआही देवेंगे चार दिन हमारा पटना बड़ा बाबू अपना जनानी किता में रखें वही जैसे कहें कि तनको डराओ ना हम हैं प्रशासन का करेगा अब मने थे कि प्रशासन और फिर वही जाए सजाए हो जाएगा तब न जनली कि प्रशासन के अब सब नीचे से ऊपर लठिक है वही से रहाई हो जाएगा तो क्या हुआ फिर कहेगा फिर मारेगा फिर रहाई हो जाएगा गरीब हमारा खाहू के न ठेकान है आप करोड़पति है तो क्या आप हमारा जान रहते जानते हैं कहूँ गलती कहते हैं ये अच्छा जब वो लोग हमला हुआ था जब रात में जब लोग आए थे यही तो टाइम था कितने लोग रहे होंगे वो हलन सो 40 गो के ग्रुप आ वो पार के हलन सो बाकी 20 गो महुआ वाला हलन सो और सभी के पास हथियार थे सभी के पास आपको लगता है कि आपकी न्याय सबके लिए बराबर है लेकिन ये सच है क्या न्याय बराबर तो न्याय नहीं ना हुआ वो पैसा पर ना बिक गया वो पीपी या जज या वकील पैसा पर बिक गया न्याय कहाँ किया न्याय करी था तब ना कम बेसी करी था तब ना न्याय हुआ बाकी कम साफा कम उल्टी कर दिया रहाई कर दिया तो रहाई कर दिया तो अब देखो दिल्ली है वो क्या कर सका है ये देश का आम गांव नहीं है ये देश का वो गांव है जिसने
बिहार की राजनीति में जो जातीय हिंसा मौजूद थी उसके सबसे ज़्यादा दंश को झेला है। 1 दिसंबर 1997 को यहाँ पर नरसंहार हुआ जिसमें 58 दलितों की हत्या कर दी गई। ये हत्या जातिगत सियासी समीकरणों को ध्यान में रखकर की गई और उसके 22 साल बाद तक आज भी उस परिवार के लोग, जिन परिवारों में से किसी में से 9 लोगों की हत्या हुई, किसी में 7, किसी में 3, किसी में 6, ऐसे परिवारों में अभी तक न्याय नहीं मिला है। 2010 में पटना की विशेष अदालत ने 16 लोगों को फांसी की सज़ा और 10 लोगों को उम्र कैद दिया, लेकिन 2013 में पटना हाईकोर्ट ने इसी फैसले को बदल दिया और अब ये अपील सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। 22 साल से इंतज़ार कर रहे लोग इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाते कि उनको इस जन्म में इस नरसंहार का न्याय मिलेगा। वास्तव में कितना कठिन है इस देश में न्याय पाना, ये इस गांव में आकर आपको समझ में आएगा। गांव में शांति सुकून वाली नहीं है, सन्नाटे वाली है, क्योंकि लोग आज भी जब उस बात को याद करते हैं तो 2-4 सेकंड के लिए शांत हो जाते हैं और फिर अपनी बात आंखों से बयां करते हैं। Worried about election results? Don't worry. Whoever comes into power, we at Quantum AMC have all your investment needs and solutions covered. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Amesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.